हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, आज हम HCPLSIM का जो सेकंड क्लास अपनी वो करने जा रहे हैं, और गुस्सा तो हो गया आपके भाई, डेली वीडियो नहीं आ रही। थोड़ा सा कोई कारण है बच्चों, थोड़ा सा रीजन था जिससे हम डेली नहीं आ पा रहे, लेकिन आपसे मैं कोशिश करूँगा कि डेली आ पाए हम, और आपका सिलेबस जो अच्छे से कवर हो पाए वो। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आज हम आपने जो क्वेश्चन है, जो PDF मैंने डाली हुई है अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी, सॉरी टेलीग्राम पेज पे, जो हमारा चैनल है पाई इंस्टीट्यूट, उस पर डाली हुई है, उसके कुछ क्वेश्चन जो बच्चे वो करते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों आपका ये बचता था, यदि दो पूर्ण सम अंकों का अनुपात एक्स अनुपात वाई हो और जेड उनका महत्तम समापवर्तक हो, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो कल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। अगर अगर HCF की गुणा यानी महत्तम समापवर्तक की गुणा, हम HCF की गुणा अगर अनुपात से कर दें तो हमारी संख्याएं आ जाती हैं, है ना? कल भी बताया ना मैंने आपको, तो उसी पे बेस क्वेश्चन है बच्चों ये, कि दो सम अंकों का अनुपात एक्स अनुपात वाई है और जेड उनका महत्तम समापवर्तक है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? आपको पता होगा पहली संख्या या एक संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होंगी? लघुत्तम गुणा महत्तम समापवर्तक के। आपको पता होगा ये हमने किया है। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या तो हमें निकालनी पड़ेंगी। संख्याएं आएंगी कैसे? जब हम इस महत्तम समापवर्तक इनका ये है ना, इसको इससे गुणा कर दें तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी। अब पहली संख्या क्या हुई बच्चों? जब जेड की गुणा एक्स से की तो पहली संख्या जेड एक्स हो गई। अब दूसरी संख्या, अब जब जेड की गुणा हम वाई से करेंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी बच्चों, जेड वाई। ठीक है, ये पहली संख्या बन गई जेड की गुणा एक्स से की, और दूसरी संख्या जेड की गुणा वाई से की तो हमारी दूसरी संख्या बन गई। अभी किसके बराबर होती है? लघुत्तम गुणा महत्तम के। लघुत्तम उसने दिया ही नहीं हमें, तो लघुत्तम की जगह हमने लघुत्तम लिख लिया, और महत्तम कितना दे रखा है? जेड दे रखा है ना, तो यहाँ पे जेड रख दिया बच्चों। ठीक है, चलिए अब लघुत्तम निकालना है हमें, लघुत्तम यहाँ पे रख दिया, ये जेड नीचे आएगा, जेड एक्स गुना जेड वाई, और नीचे जेड आ गए, यहाँ पे जेड से जेड कट गया, बचा कितना? एक्स वाई और जेड हमारा क्या बचा? लघुत्तम समापवर्तक। हाँ जी, लघुत्तम समापवर्तक एक्स वाई और जेड, ये हमारा आंसर होगा बच्चों, एक्स वाई जेड। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करिएगा और देखिएगा दोबारा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 21 है और 84 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात है तो बड़ी संख्या बतानी है बच्चों। अब संख्याओं का अनुपात 1:4 है, मैंने बता दिया कि जब महत्तम की गुणा अनुपात से कर देंगे तो वो संख्या आ जाएंगी। महत्तम कितना है? 21। अब महत्तम अपना जो HCF है वो 21 है, इसकी गुणा हम अगर अनुपात से कर दें तो वो दोनों संख्याएं आ जाएंगी, 21 एकम 21, 21 का 84। बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या कितनी है इसमें से? 84। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो? बच्चों, मैंने जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें बताया था कि कौन से ऐसे गुणज हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से भाग होती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, वो क्वेश्चन करवाया था, आप देखिएगा उसको। इसी तरह बच्चों, इसमें भी वही है कि अगर हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 6 तथा 5 दोनों से विभाज्य हो, तो वो संख्या बच्चों इनके लघुत्तम से भी पूरी तरह विभाज्य होती होगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में 6 और 5 का लघुत्तम निकालना है। 6 और 5 का लघुत्तम अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए,
छह और पांच का जो एलसीएम है बच्चों वो कितना हुआ 30, है ना, कितना हुआ एलसीएम 30 हुआ। अब दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है वो बच्चों, अब 30 से कौन कौन सी भाग होंगी, 30 की जो मल्टीपल होंगे जो गुणज होंगे 30 से भाग होते होंगे, 30 से कम 30, 30 दुनी 60, 30 या 90, 30 चौका 120, लेकिन बच्चों वो होनी चाहिए दो अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 30 अंकों का तो सॉरी 30 से भाग होने वाला दो अंकों का बड़े से बड़ा मल्टीपल 30 का कौन सा है, वो 90 है हमारा, 90 है जो हमारा आंसर होगा, 30 या 90 जो पूर्णतः विभाजित है। इस तरह क्वेश्चन बच्चों एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर कोई संख्या आपको निकालनी है जो 6 तथा 5 दोनों से भाग हो, भाई 8 तथा 5 दोनों से भाग हो, तो वो संख्या उनके लघुत्तम से भाग होती होगी, 8 × 40 से भाग होती होगी, वही हमारा आंसर होगा। इसी तरह बच्चों 6 और 5 का लघुत्तम कितना आया, 30 आया, और 30 से जो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाग होती है वो 90 है, तो हमारा आंसर इसका कितना होगा, 90। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये नेक्स्ट टाइप है 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। बच्चों इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2/3 और 4/5 और 6/7 का महत्तम निकालना है। तो जो बच्चों आपसे पूछा ना, उसने पूछा महत्तम, तो आप ऊपर वालों का महत्तम निकालिए, ऊपर वालों का क्या निकालोगे आप, महत्तम, और जो नीचे वाले हैं बच्चों उनका आप लघुत्तम निकालिए, क्या निकालिए, लघुत्तम, जो एलसीएम बोलते हैं जिसको हम। अगर उसने एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकालो, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालो और नीचे वालों का एचसीएफ निकालो, ठीक है, इस तरह करना है। इसमें उसने महत्तम समापवर्तक पूछा है तो आप एचसीएफ निकालिए ऊपर वालों का, 2, 4 और 6 का बच्चों कितना आया, 2 आया ना, ठीक है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों को भाग करती हो वो 2 है, लेकिन आप निकालो कैसे उसको, देखो बहुत से तरीके होते हैं, अगर आप इसको ऐसे भाग करके 2 से भाग करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 2 तो बचा हुआ था ना, 2 से तीनों गया तो 2 आ गया हमारा, बाकी आप ऐसे भी निकालते हो, अगर ये 2 इसको भाग कर देता है यहाँ पे, ठीक है, फिर इसी से भाग करवाते हम 6 को, 2 × 3 = 6, ये भी हमारा आंसर हो गया 2, जो एचसीएफ ऊपर वालों का वो कितना हुआ 2, और नीचे वालों का बच्चों एलसीएम। अब एलसीएम भी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर ये अलग अलग हैं, एक अक्षर से नहीं कट रहे, तो इनकी डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाता है, तो इनका एलसीएम कितना होगा बच्चों, भाई 5 × 15 = 105, 5 × 15 = 105, जब इनकी गुणा करूंगा मैं एलसीएम निकालने के लिए, तो 2/105 मेरा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका 2/105 होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बटा तीन, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। अब उसने, मैंने आपको बताया कि जो आपसे पूछे, अगर लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वालों का लघुत्तम निकालिए, नीचे वालों का महत्तम निकालिए, अगर महत्तम पूछा है तो ऊपर वालों का महत्तम और नीचे वालों का लघुत्तम। इस क्वेश्चन में हमसे लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वालों का हम लघुत्तम निकालेंगे और नीचे वालों का बच्चों एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एक बार इनका लघुत्तम कैसे निकालोगे आप, 2, 4, 5, आपके लिए ही बार बार बता रहा हूं बच्चों, 2 × 2 = 4 और 5 ऐसे कैसा, 5 × 10 = 20, ठीक है, 5 × 10 = 10 × 20 इसका लघुत्तम हुआ, वो कितना हुआ बच्चों 20, और जिनका नीचे महत्तम हुआ 3, 9, 6 का बड़ी से बड़ी संख्या वो 3 हुई, जो तीनों को भाग करती है, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 3, 2 × 6 तो नीचे 3 आया जो इसका एचसीएफ है, तो इसका आंसर कितना हुआ बच्चों 20/3, 20/3, ध्यान से करिएगा बच्चों, आए हुए क्वेश्चन है, बार बार आते हैं पेपर में और बिल्कुल आसान टाइप है ये। हाँ जी, 2 × 3, 2 की पावर 3 × 7 की पावर 2 है ना, तथा 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1 का महत्तम समापवर्तक क्या है। बच्चों जब मैंने बताया था, जब हम ऐसे करके निकाल रहे थे, मैंने आपको ये टाइप भी बताई थी, 48 ऐसे निकाला था, फिर मैं यहाँ पे 96 लिख दूं, तो उसकी मैंने पावर बनाई थी। एचसीएफ का बच्चों क्या है, एचसीएफ वो जो दोनों में कॉमन हो और बड़े से बड़ा हो, दोनों में कॉमन हो और बड़े से बड़ा हो,
तो बच्चों देखो, 2 की पावर 3 कोई संख्या है, 2 की पावर 3 और 7 की 2, ठीक है, कोई संख्या है 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1, इसका महत्तम निकालना है, दोनों में होना चाहिए। और कॉमन देखो बच्चों, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, एक बार इसको सोल्व करके देखो, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 7 की 2 कितना 49। अब 2 की पावर 5 कितना बच्चों 32, और यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। देखो इसमें 49 है ही नहीं, तो 49 तो आएगा ही नहीं बच्चों। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग करे, दोनों को भाग बच्चों यहाँ पे 8 करेगी, 8 एकम 8, 8 चौका 32, इसको पूरा पूरा भाग कर देगा इस संख्या को भी। तो जो दोनों को भाग करे बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों, वो 8 हुई ना, कितनी बच्चों 8 हुई। देखो अगर ऐसे पावर दी हुई है तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया कि 2 की पावर 3 8 आया, 7 49 आया, 49 तो यहाँ पे है ही नहीं, होना चाहिए दोनों में, तो 49 तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इसको भाग कर दे, 8 एकम 8 8 चौका 32, वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हुई 8 हुई। लेकिन बच्चों आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे, लेट हो जाओगे, तो आपको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन हो और पावर हो वो कम हो उसकी, जो दोनों में हो और उसकी पावर कम हो, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों में क्या है 2 है, ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है, अब ये इसमें है इसमें, अब दोनों को भाग कब करेंगे। देखो अगर 2 की पावर 5 ले लेता तो इस तो ये तो भाग नहीं हो पाएगा ना, ये तो 3 है, ये पूरे से भाग नहीं हो पाएगा, तो 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, तो दोनों को भाग करेगी, तो 2 की पावर 3 मेरा इसका एचसीएफ हो जाएगा बच्चों, जो मेरा आंसर हुआ कितना हुआ 2 की पावर 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाँ जी, पी इज इक्वल टू कोई संख्या है 2 की पावर 3, इसका मतलब गुना ही होता है बच्चों, गुना 3 की पावर 10 और गुना 5, हाँ जी खाली 5 है ना, ठीक है, क्यू है वो कितना है 2 की पावर 5 और 3 और गुना 7। फिर बोल के बता दूं एचसीएफ क्या होता है बच्चों, वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः भाग कर दे, इसने महत्तम ही पूछा है। फिर में बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो देखो अब आपको डायरेक्ट करना है, क्या लेना है, जो कॉमन हो और उसकी पावर छोटी लेनी है हमें, तो 2 की पावर कितनी ली 3। अब इसमें भी ये कॉमन है, ठीक है, लेकिन 3 की पावर 1 लेनी है, क्योंकि अब ये वाला भी भाग करवाना है और वो वाला भी भाग करवाना है हमें, तो 3 की पावर 1, ये ना ये कॉमन है ना ये कॉमन है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, तो जो सेकेंड आंसर है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना है। देखो 3/4 बच्चों आपको मैंने करवा दिया क्वेश्चन, आपको खुद करना है, करना क्या है आपको 4/3 करके व्युत्क्रम यानी उल्टा करना है ना, 4/3, 10/9 और 16/15 करके इनका महत्तम निकालना है। और महत्तम निकालने का मतलब क्या है बच्चों, ऊपर वालों का महत्तम नीचे वालों का लघुत्तम, ऐसे करना है क्वेश्चन, आपको आंसर बताना है कमेंट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 3/3 और उसकी पावर 333+1 और 3/3 और उसकी पावर 334+1 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चलो छोटा सा कॉन्सेप्ट हम ये देखते हैं एक बार, 3 की पावर वाला, देखो मैंने यहां पे लिखा भाई 3/2+1 लिख दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा 3/3 और +1, ये संख्या है 2, ये मैंने ले ली एक बार, 3/2 कितना बच्चों 9 और +1 कितना आया 10, एक संख्या 10 बनेगी ना मेरी, 3/3 कितना 27 और +1 संख्या कितनी बनी 28, कितनी बनी बच्चों 28। चलो एक बार ले लेता हूं मैं 3/2 और उसकी पावर 2 ले लेता हूं मैं, ठीक है, +1 लिख दिया, चलो और यहां पे क्या लिखूं, 3/2 उसकी पावर कितना 3 और +1 लिख दिया। अब इसको मैंने सोल्व किया, 3/2 9 और 9 की 2 कितना 81 +1 कितना बच्चों 82, 3/2 9 की 3 कितना 729 +1 कितना 730, 82 और 730 बच्चों एक बार
इनका आप मुझे एचसीएफ बताइए, इनका एचसीएफ कितना है, जो महत्तम समापवर्तक इनका कितना है, 10 और 28 का 2 होगा बच्चों, बाकी ऐसे करके निकाल लेना, 28 यहाँ पे लिखा, 10 दुनी 20, 8 आया, अब 8 भी यहाँ पे 10 के आप लेके गए, और 2 और 2 चुका 8, ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ से 2 आया मेरा। बच्चों एक बार इनका एचसीएफ और निकालते हैं हम, इसका 2 आया ना इन दोनों का, अब यहाँ पे मैं लिख दूं 28, और इनका एचसीएफ कितना है बच्चों 2। अब 82 और 730 का एचसीएफ और निकालते हैं, 730 और 82 कितने पे गया, 972, ठीक है 9 पे गया ना, 9 दुनिया 18, 972 38 हो गया, ठीक है नहीं जाएगा 8 पे जाएगा, ये यहाँ पे 8 पे लेके गए इसको, 8 दुनिया 16 का 6 असल लगा 1, 8 बटे 64 और 1 65, ठीक है 10 में 6 गया कितना 4, और यहाँ पे 12 में से 5 गया कितना 7, ठीक है 6 में 6 गया 0, 74 आ गया, अब यहाँ पे 82 आया, 74 एकम कितना 74, 12 में 4 गया कितना बच्चों 8, ठीक है अब 74 यहाँ पे, अब मैंने लिखा 8 के माँ 72 कितना आया 2, और ये 8 2 चुका 8, इसका एचसीएफ कितना है बच्चों 2 आया, कितना आया 2। देखो जब मैंने इतनी पावर की जब भी एचसीएफ 2 आया, इतनी की तो 2 आया बच्चों, 3 की पावर का कुछ ऐसा फंडा होता है, आप इसे कितनी भी पावर करते रहिए, अगर ऐसे संख्याएं दे रखी हैं कंटिन्यू अगर वो जुड़ती हैं, 3 की 2 प्लस 3 की 1, 3 की कितनी भी पावर हो बच्चों, 3 की 4 5 6 कितनी भी हो, अगर उसमें हम एक ऐड कर देते हैं ना तो वो सम संख्या बन जाती है, और वो जब हम उनका निकालते हैं तो उनका एचसीएफ बच्चों 2 आता है, कितना आता है 2। तो इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2, कितना होगा बच्चों 2 हमारा आंसर होगा। आप ये मत सोचिएगा कि भाई 3 की 2 1 है 3 इसमें तो होगा ये, वो नहीं, वो आंसर नहीं होगा, यहाँ पे सोल्व करोगे 10 आया, यहाँ पे लगा 28 आ रहा, लेकिन ये सम संख्याएं हैं और 2 से भाग हो रही हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनको भाग करती है वो 2 है, अब ऐसे किया तब भी ऐसा बनता है, कुछ और करके देख लीजिएगा आप तब भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन संख्याएं 2:3:4 में हैं तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा बच्चों, महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा इस चीज को, एचसीएफ है एलसीएम जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं। देखो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे बार बार काम आ रहा है कि अगर हम महत्तम को संख्याओं के अनुपात से गुणा कर दें तो संख्या आ जाती है, तो मेरी संख्याएं कितनी होंगी 12 दुनी 24, 12 ये 36 और 12 चौके 48, ये मेरी तीन संख्याएं आ गई ना महत्तम की गुणा अनुपात से करने से, 12 दुनी 24, 12 ये 36, 12 चौके 48, अब ये आ गई संख्याएं, इनका लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है 2 से भाग किया 12, 18 कितना 24 और 2 से कितना 6, ठीक है देखो धीरे धीरे करते रहिए आपकी स्पीड बन जाएगी आपकी भी, 2 से 9 और 2 से कितना 12, ठीक है 2 से 3 और 9 और कितना 6 ना, ठीक है 3 एकम 3 या 9 3 दुनी 6, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है एक को छोड़ के, तो यहीं पे रख देंगे हम इसको, यहीं पे छोड़ देंगे, 2 दुनी 4 दुनी 8 या 24 या 72 दुनी 144, तो बच्चों इनका जो लघुत्तम होगा, ये पहले मैंने संख्याएं निकाल ली ऐसे करके, और फिर इनको इनका जो लघुत्तम है मैंने वो निकाला गुना करके, वो लघुत्तम मेरा कितना आया बच्चों 144 आया, इसका आंसर कितना होगा बच्चों 144, ठीक है इसका आंसर 144 होगा बच्चों। एक छोटा सा इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, वो अभी मैं एक दो क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा आपको, आप देखते रहिए। देखो तीन संख्याएं 3:4:5 में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 4200 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा बच्चों, तीन संख्याएं 3:4:5 में है, 3:4:5 में है, देखो अगर इनको मैं इनके साथ अगर एक बार संख्याएं ही मान लूं, मैं इनको 3, 4 और 5 को अगर मैं संख्याएं डायरेक्ट संख्याएं मान लूं, तो मेरा इनका लघुत्तम कितना होगा बच्चों, मेरा इनका जो एलसीएम है वो कितना होगा, डायरेक्ट ना कर देते हैं ना, 3 चौका 12 और 12 पंजे 60, 5 चौका 20 या 60,
बच्चों अगर यहाँ पे मैंने इनका लघुत्तम अगर दैर्घ्य संख्या मान लूं, या फिर इनके साथ आप ऐसे लिखना चाहो कि 3x, 4x और 5x इनको संख्याएं मान लो, तो आपका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 3, 5 का 20 या 60 और 60 के साथ x भी ना, क्योंकि ये पूरे से पूरा कटना चाहिए, तो x कटेगा और 3 से कट के 20 आएगा। तो बच्चों जो मेरा एलसीएम आया वो 60x आया, और वो किसके बराबर है, इन्होंने एलसीएम कितना दे रखा है 4200, तो मेरा जो x की वैल्यू है वो कितनी आई 4200/60, 6 से 42 एक्स की वैल्यू कितनी हुई बच्चों मेरी 70, और यहाँ से एक्स की वैल्यू 70 आई, और इस 70 की गुना में इससे कर दूं तो मेरी संख्या नहीं आ जाएंगी 70 3 तो उन्होंने पूछा भाई उनका महत्तम समापवर्तक कितना है। अब बच्चों देखो भाई 3, 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक खाली एक्स ही है यहाँ पे, अगर 3x, 4x और 5x संख्याएं हों वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनको भाग करती है वो एक्स ही तो भाग करती है बस, और डायरेक्ट एक्स इसका आंसर हो जाएगा 70। बाकी आप आगे चलना चाहो तो इन संख्याओं को निकालो पहले, 70 3 210, अब 70 4 280। बच्चों जब आप यहाँ पे भी गुना करो तो आपको पता चलेगा कि 70 ही है, उस इन दोनों को भाग करता है 70 5 तीनों को भाग करता है 70 5 350। अब जाओगे आप दोबारा निकालोगे 210 और ऐसे बीच में लिखोगे, माना 70 ही है बच्चों इसका। एक बार फिर रिपीट कर दूं बच्चों इस क्वेश्चन को मैं, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों इसको, बाकी आपके समझ में आ भी गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। संख्याएं हैं बच्चों, 3 संख्याएं हैं 3:4:5 में, ठीक है बच्चों, मैंने इनके साथ एक बार x ले लिया यहाँ पे, तो मेरी संख्याएं क्या बन गई 3x 4x और 5x। चलो बच्चों एक बार ये बता दो मुझे इनका HCF कितना होगा, 3x 4x और 5x का HCF कितना होगा, वो बड़े से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करती होगी। एक तो बच्चों देखो x ही होगी ना, x ये भाग होता है x कट जाएगा, अगर मैं इसे भाग करूं तो ठीक है ये कट गया। इनमें इनके जिनका जो HCF है बच्चों वो कितना होगा इन संख्याओं का, 3x 4x और 5 जो x है उनका HCF होगा वो कितना होगा मेरा बच्चों, x होगा, ठीक है, क्योंकि इससे भाई x ही कट रहे हैं, HCF x होगा। चलो एक बार मैं 3x 4x जो आपकी संख्याएं हैं 3 संख्याएं इनका आपसे लोग उत्तम और पूछता हूँ भाई, तो आप डायरेक्ट गुना कर दोगे ना भाई 5 का 20 या 60, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं इनका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट गुना कर दो लघुत्तम आ जाएगा 5 का 20 या 60, और ये संख्या पूरी कटनी चाहिए, पूरी जब कटेगी इसके साथ x और होगा, ये इनका बच्चों एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों इनका एलसीएम हो जाता है, देखो 3x 4x और 5x का एलसीएम आया 60x, उन्होंने दे रखा बच्चों कितना 4200, अब 60x की वैल्यू कितने के बराबर 4200 के बराबर, क्योंकि ये भी तो एलसीएम और वो भी एलसीएम है। अब यहाँ से x किसके बराबर आएगा 4200/60, भाई x की वैल्यू 70 आ गई मेरी, और जो हमारा जो HCF था कितना था x ही तो था, अब x की वैल्यू 70 आ गई तो मेरा HCF कितना हुआ बच्चों 70 ही हो गया वो, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अगर ये अनुपात हमारा ऐसे अलग अलग दे रखा है इसमें कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो आप क्या करो, इस अनुपात की गुना आप HCF के साथ कर दोगे तो हमारा लघुत्तम आ जाता है, क्या आता है हमारा लघुत्तम। अगर इस अनुपात की गुना आप डायरेक्ट HCF के साथ कर दो तो लघुत्तम आ जाता है। अब यहाँ पे HCF उन्होंने दे नहीं रखा, LCM दे रखा है, ठीक है 3×4×5×HCF ऐसे लिखा, और LCM की जगह मैंने लिखा 4200। अब यहाँ पे आप कट करोगे 5 5 का 20 या 60 और HCF ऐसे लिखोगे और 4200/60 लिखोगे, कितना आंसर आ जाएगा मेरा बच्चों 70। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है जो बेसिक ही है बिल्कुल, बाकी मैंने आपको क्या बताया, अगर ये इस अनुपात में से कुछ कॉमन ना आता हो, इस अनुपात में से कुछ कॉमन ना आता हो आप HCF के साथ गुणा कर दीजिए LCM आ जाएगा, कॉमन आता हो जब भी हो जाएगा, लेकिन उस कॉमन से फिर आप भाग करना पड़ेगा। आपको दिखाऊंगा मैं जो मैंने अपनी पिछला क्वेश्चन था ना वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चलिए देखते हैं एक बार जो पिछला क्वेश्चन है वो देखो कितना आया 144 आया ना बच्चों, लेकिन इन तीनों में बच्चों दो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, इन दो संख्याओं में, इन तीन में नहीं, ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन दो और चार में दो कॉमन आ रहा है बच्चों,
इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर दो तीन और चार, ठीक है, दो तीन और चार, इनको मैं अगर ऐसे देखो आपको 24, अब ऐसे मैथम दे रखा है, 1 गुना 12 दुनी 24 32 36 42 ऐसे करके आपने 144 निकाल लिया। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि 2 गुना 3 गुना 4 और आप इनकी गुना मैथम से करोगे, गुना 12 करोगे, वो एलसीएम के बराबर मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये दो था, यहाँ पे भी दो है, तो इनमें से अगर मैं इनको अलग अलग करना चाहूँ तो ऐसे होगा ना, 1, 3 और 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, 12 दुनी 24 बार 36 बार 42 ठीक है। मैथम तो आपने निकाल लिया था, यहाँ पे 24 36 48 संख्या यहाँ की, और मैथम निकाल लिया, सॉरी लघुत्तम निकाल लिया था, 144 आ गया था मेरा। बाकी आप प्रैक्टिस करके ऐसे भी हो जाएगा धीरे धीरे, 2 गुना 4 12 चुके 48 48 क्या कितना 144 दुनी 288। लेकिन ये यहाँ पे 2, 3 और 4 का अगर देखो, 2, 3 और 4 इनका लघुत्तम निकालना हो ना बच्चों, तो कैसे आएगा, 2 एकम 2 2 3 2 4 3 2 6 2 12 लघुत्तम कितना है मेरा 12। लेकिन आप डायरेक्ट गुना करोगे 4 3 12 2 24, डायरेक्ट गुना करने पर लघुत्तम नहीं आता, क्योंकि इन दो संख्याओं में कॉमन आ रहा था, इस वजह से मैंने 2 से भाग करवाना पड़ेगा मुझे, 2 से भाग करवा दूंगा तो मैं 144 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अगर समझ में आया तो करना है, नहीं आया तो बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि 144 कैसे आया है। जैसे यहाँ पे आया कि भाई इस अनुपात की गुना मैंने एचसीएफ से कर दी तो मेरा एलसीएम आ रहा है, और मैंने बताया कि अनुपात अपना अलग अलग होना चाहिए, अगर अलग अलग नहीं है, दो में भी कुछ कॉमन है, तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी प्रैक्टिस करने पे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक मैंने आपको इनका बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो ये रहा, दो संख्याएं 5:6 में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना 120 है, तो उनका महत्तम कितना होगा। मैंने आपको बताया अगर अनुपात में कुछ कॉमन नहीं है तो आप क्या करोगे, 5 गुना 6 गुना महत्तम लिखोगे तो वो लघुत्तम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से महत्तम कितना हो जाएगा 120 और 5 और 6 नीचे 30 चौका 120, डायरेक्ट बच्चों 4 आंसर आ गया मेरा एकदम से, देखती है ना, देखती आ गया ना। बाकी इसका बेसिक क्या है बच्चों, आप इसको बेसिक से कैसे करोगे, भाई 2, 5 और 6 में है, अब मैंने उस संख्याओं को 5x और 6x माना, और 5x और 6x का जो लघुत्तम होगा कितना होगा, वो 30 होगा ना, 5 और 6 का 30 और x भी साथ में होना चाहिए, तभी तो लघुत्तम होगा, वो भागोगी इनसे, x होगा तभी तो भागोगी ना। और इनका जो एचसीएफ है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग करती है वो तो भाई x है ही हमारी, जो x की वैल्यू होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। अब जो लघुत्तम है वो 30x है, और किसके बराबर है वो 120 के ना, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 120 बटा 30 30 का 120, जो हमारा x की वैल्यू है वही हमारा एचसीएफ है, x की वैल्यू 4 आई, तो एचसीएफ मेरा कितना है बच्चों 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध विक्रेता के पास, एक बार पढ़िए आप इसको क्वेश्चन को, हाँ जी एक छोटी सी अलग टाइप है ये, कांस्टेबल में आई हुई है एसएससी में। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का 42 लीटर टोंड और 63 लीटर डबल टोंड दूध है, यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, किसी भी तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने का है, आया हुआ भी है, आपको समझना है कैसे करेंगे हम। देखो बच्चों 21, 42 और 63, अगर वो इस सारे दूध को एक साथ नापना चाहे, मतलब कि भाई बराबर बराबर, जैसे हमने किया था ना कि कक्षा है उसमें लड़के और लड़कियां हैं तो बराबर बराबर संख्या में चाहिए, तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, उनका एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो 21, 42 और 63 का बच्चों जो एचसीएफ होगा वो 21 ही तो होगा ना, जो तीनों को भाग करता है, देखो 21, 42 और 63 इनका एचसीएफ निकालना है, तो बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग करती है 21 से कम 21 दुनी 42 की 63, तो वो 21 है। बाकी आप ऐसे निकालोगे 42 को यहाँ पे रखोगे, 21 से हो रहा है, हाँ भाई 21 से डायरेक्ट हो गया, फिर 63 करोगे तो 21 से हो गया, तो इनका एचसीएफ कितना है बच्चों, देखो इनका जो एचसीएफ है वो बच्चों 21 आया मेरा, कितना आया 21। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं इस दूध को अलग अलग लेना चाहता हूँ, अलग इस 21 लीटर को, इस 42 को, इस 63 को मैं मिलाना नहीं चाहता,
लेकिन इनका जो एचसीएफ वो 21 आ गया। अब ना मिलाना चाहता बच्चों जो 21 लीटर दूध है वो कितने डिब्बों में आएगा, जब उनका मैक्सिमम 21 है। तो अब आप करिए 21/21, यहाँ से बना भाई अपना एक डिब्बा इसका। अब जो 42 है अगर उस एचसीएफ से ही भाग कर दूं तो यहाँ से बने दो डिब्बे। अब 63 है अगर एचसीएफ से ही भाग कर दूं तो यहाँ से बने मेरे कितने, तीन डिब्बे। तो टोटल कितने डिब्बे हुए बच्चों, 3 और 2 5 और 1 6, कितने डिब्बे हुए बच्चों मेरे, 6 डिब्बे हुए। देखिए 3, 2, 5 और 1 6, ठीक है 126 किसे 126 हो जाएगा। ऐसे भी आप ऐसे करिए जो पहले डिब्बे में जितना दूध है उसको एचसीएफ से डिवाइड करवा दीजिए, डिब्बों की संख्या आ जाएगी भाई। 21 से करवाया 1, 21 × 42 1, ठीक है 21 या 63 1, 3, 2, 5 और 1 6 डिब्बे बच्चों मेरी वो संख्या होगी जिसमें सारा दूध आ जाएगा 6 डिब्बों में। तो इसका आंसर कितना हुआ, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का है, आप समझ जाओगे इसको भी। हाँ जी, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की तीन छड़े हैं। वह तीन छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। देखो अब तीनों टुकड़े को मिला तो सकता नहीं, वही बात होगी दूध वो मिला नहीं सकता था, तो अलग अलग काटना है तो उनका एचसीएफ तो में लेना ही पड़ेगा। बराबर लंबाई के होने चाहिए, तीनों में से बराबर लंबाई के होने चाहिए, इसी वजह से हम एचसीएफ लेते हैं, उनमें बराबर दूध होना चाहिए, इस वजह से उनका एचसीएफ दिया था। अब 10, 15 और 20 का जो एचसीएफ है वो 5 होता है बच्चों, आप देखते ही पता चल जाएगा आपको, 5 × 10 = 5, 15 × 5 = 20, 2, 3, 4 ऐसे बन जाता है ना अनुपात उनका, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ हुआ बच्चों कितना हुआ, वो मेरा 5 हो गया, और कितना है 10, 15 और 20, एचसीएफ कितना आया 5। अब मैंने बताया ना आपको संख्या निकालनी है, तो आप इस 10 को डिवाइड करवा दीजिए आप किससे, 5 से, 5 × 2 = 10, 15 को डिवाइड करवाइए आप 5 से, 5 × 3 = 15, और इस 20 को डिवाइड करवाइए आप 5 से, 5 × 20, 4 × 3 = 7 और 2 = 9, कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है बच्चों, वो 9 टुकड़े काट सकता है हमारा, 4, 3, 7 और 2 = 9 टुकड़े मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, कितना 9, है ना। ये बच्चों इसका बिल्कुल बेसिक है, बाकी इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो बच्चों, जो ये दो क्वेश्चन है आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, इनका आप एक बार एचसीएफ निकाल लीजिए बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, इनमें से क्या करना है खाली एचसीएफ निकालना है। हाँ जी देखिए 21, 42 और 63 का जो एचसीएफ आपका कितना आया, 21 आया ना, एचसीएफ कितना आया बच्चों, 21 आया। अब इन तीनों जो ये दूध है ना, इन तीनों को ही जोड़ दीजिए आप डायरेक्ट, 63, 42 और 21 को आप जोड़ोगे, ठीक है 60 और 20 कितने हो गए, 84 और कितने 8 × 4 = 12, ठीक है 126 हो गए, कितने हुए 126, तीनों को डायरेक्ट जोड़ा 126 आ गया, और एचसीएफ से डिवाइड करवा दिया खाली 21, ठीक है 126 मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करके देखते हैं, बेसिक तो आपने कर लिया भाई, तीनों का एचसीएफ निकाला कितना आया 5, तीनों को जोड़ा 10, 15 और इसको जोड़ा हमने 20 को, 35 और 10 = 45, अब 45 को इस एचसीएफ से डिवाइड करवा दिया 5 × 45, तो बच्चों मेरा आंसर कितना आया 9, जो मेरे 9 कट्ठे हैं ये वो भाई कट पाएंगे। चलिए इस तरह से अपनी जो ये टाइप बच्चों, ये टाइप भी पूरी होती है, ये जो आज मैंने कोशिश की आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने की जिनको टफ बोलते हैं, लेकिन वो टफ होते नहीं है। तो बच्चों रेगुलर थोड़ा सा वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, कोई कारण है जिसकी वजह से नहीं डाल पाता, बाकी अब नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ जो सारे क्वेश्चन है वो डालता रहूंगा मैं। हाँ जी गर्मी बहुत है, कूलर चल रहा है यहाँ पे, बट इतना असर नहीं हो रहा उसका भी, कोई नहीं गर्मी का तो बच्चों ये है जो मौसम है उसमें, तो अगर हम उसको रोक नहीं सकते, जैसा है वो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें अपना काम भी नहीं रोकना है और मेहनत भी करनी है। मैंने आपको बता दिया कि बच्चों आप टेलीग्राम पे पाई इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन कीजिए आप, और वहाँ पे जो अपनी PDF है ये सारे क्वेश्चन की डली होती है, उसको वहाँ से देख के आप क्वेश्चन करिए, पहले क्लास देखिए यूट्यूब पे, और फिर उस उन क्वेश्चन को करिए आप जो वहाँ से डाउनलोड करके PDF को,
फिर अपने कॉपी में करिए, अच्छे से कॉपी बनाइए अपनी और खुद का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय।